बैरागीज किचन। आज हम बैरागीज किचन में बनाने वाले हैं प्रॉन्स बिरयानी। यहाँ पर हमने ले लिए हैं बड़े 10 कांदे, प्याज जिसको हमने इसे बारीक बारीक स्लाइस कर दिए पतली पतली। साथ में हमने यहाँ पे बना लिए हैं 15 मिर्ची का पेस्ट। यहाँ पर हमने 5 बड़े टमाटर की प्यूरी बना लिए हैं और यहाँ पर हमने 5 से 6 टमाटर का ऐसे फाइन चॉप किए हैं। यहाँ पर हमने 3-4 आलू के पीसेस ऐसे रखे हैं और साथ में हमने यहाँ पे पुदीना कोथमीर को फाइन चॉप कर कर रखे हैं। तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें डाल देंगे हमारी प्याज। हमारा बिरिस्ता थोड़ी देर में तैयार ही होने वाला है, ये ऑलमोस्ट हो गया है। फिर हम इसे निकाल देंगे एक ट्रे में। बिरिस्ता हमारा अच्छे से फ्राई हो चुका है और हम इसे निकाल देंगे। अब ये सेम तेल में हम हमारे आलू भी फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म है तो थोड़ा आलू को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब इसमें हमने हमारे बिरिस्ते में से थोड़ा बिरिस्ता ले लिए, इसको मिक्सर के जार में डाल दिए। अब इसका हम एकदम फाइन पेस्ट बनाएंगे। आलू भी फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे भी निकाल देंगे। यहाँ पर हमने हमारी दही ले चुके हैं, इसे हमने अच्छे तरीके से फेंट चुके हैं। अब ये दही में हम डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला। उसी के साथ में हम इसमें डालेंगे बिरयानी मसाला। अब ये सारे मसालों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हमारी दही में। मसाला हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिए दही में, अभी हम इसे साइड में रखते हैं। यहाँ पर ले लिए हमने हमारी प्रॉन्स जिसको हमने अच्छी तरीके से साफ करके वॉश कर लिए हैं। प्रॉन्स में हम डालेंगे नमक, हल्दी पाउडर और साथ में यहाँ पर हमने 2 लेमन का जूस ले लिए थे, इसकी बीन्स हमने निकाल दिए हैं और इसे मिक्स करके साइड में रखते हैं। और साथ में हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी। यहाँ पर हम डालेंगे फ्रेश जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसे मैरिनेट करके फ्राइड में रखते हैं। अब रेडी करेंगे हम हमारा मसाला। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे तेल, जो तेल हमने बिरिस्ते के लिए यूज़ किए थे वही तेल हम इसमें डालेंगे। तेल थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखेंगे क्योंकि बिरयानी में ज़्यादा तेल लगता है। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब जो हमारी बची हुई प्याज थी हम वो इसे डाल देंगे। अब हमने ये हमारी प्याज में हमारी कुछ अच्छे मसाले डालेंगे, जिसमें हमने डाले जीरा, लौंग, काली मिर्च, तेज़पत्ता, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियां और जावित्री। आप देख सकते हैं हमारी प्याज अच्छी तरीके से ब्राउन हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और पुदीना कूटने। इसका मसाला डालकर हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे मिर्ची का पेस्ट। आप मिर्ची आपके टेस्ट के हिसाब से डालना, आप कितना टेस्ट प्रेफर करते हो उस हिसाब से।
मिर्ची का पेस्ट डालने के बाद हम इसे 2 मिनट भूनेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटो की प्यूरी। हमने जो भी रिश्ते का पेस्ट बनाया था वो भी इसमें हम डाल देंगे। अभी हम साथ में इसमें डाल देंगे हमारा मसाले का पेस्ट जो हमने बना के रखे थे। ये सारे मसालों को अच्छे से भूनने देंगे। मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है, देख सकते हैं तेल ऊपर आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे हमारे प्रॉन्स और प्रॉन्स डालकर हम इसे बस 5 मिनट तक पकाएंगे। हमने हमारे प्रॉन्स को अच्छी तरीके से स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पका लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हमारे फ्राई करे हुए आलू। ये ऑलरेडी फ्राई है तो हमें इसे ज़्यादा देर मसाले में नहीं पकाना है, बस 2 मिनट। इसे हम मसाले में डाल देंगे और हमारे गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे। हाँ, हमारे बिरयानी का मसाला रेडी हो चुका है। अब हम हमारे मसाले को साइड में रख देंगे। अब हम यहाँ पर हमारी चावल बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब हम इसमें डाल देंगे दालचीनी, लौंग, काली मिर्ची, बादियान फूल, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, साजीरा, डाल देंगे चावल जो हमने सोक करके रखे थे वो, और इसको 80% कुक कर लेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करेंगे। अब हम हमारे चावल को देखेंगे अच्छी तरीके से जोश आ रहा है और हमें सिर्फ 80% कुक करना है, तो इसे ऐसा हाथ से लेके दबा के देखेंगे तो ये कुक हो चुका है। अब हम इसका पानी पूरा निथार देंगे। बारी है हमारे बिरयानी को थर लगाने की। अब पहले हम हमारे मसाले पे डाल देंगे फ्रेश करी पत्ता और उसी के साथ में हम इसमें डाल देंगे थोड़े ड्रॉप्स बिरयानी एसेंस के। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना है तो आप डालें। इसे एक स्टर दे देंगे। चलो अब पहले हम डाल देंगे इसमें हमारे रात के बचे हुए चावल नीचे, ताकि नीचे जो दाग लगेगा हमारे थर में वो ये सब में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सिर्फ टॉप का ले लेना। अब हम इसमें पहली लेयर हमारी मसाले की लगा देंगे। अब हम इसमें ऊपर से डाल देंगे चावल के लिए। अब हम इसमें हमारे फ्राइड अनियंस डाल देंगे। और इसी के साथ हमारा बाकी का बचा हुआ चावल का भी लेयर लगा देंगे। इसके ऊपर हम और एक एक लेयर राइस की लगा देंगे अच्छे से।
अब हम इसमें डाल देंगे फूड कलर, यहाँ पर हम ग्रीन कलर का यूज़ कर रहे हैं। और साथ में हम इसमें डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर। चावल सब तल के अब हम इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ कुर्क में। और हमारा फ्राइड अनियन, अब हम इसमें ऊपर से डालेंगे घी हर जगह थोड़ा थोड़ा, इससे इसमें बहुत अच्छा अरोमा आएगा और इसके फ्लेवर को भी इन्हांस करेगा। अब हम हमारी बिरयानी को रख देंगे दम पर। हमारी बिरयानी बनकर तैयार है माशाल्लाह। इसे खोलते साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। डिलीशियस रेसिपी के लिए आप हमारे चैनल बैरागीज किचन को फॉलो करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, उस पर कमेंट करें और हमारे वीडियोस को शेयर करें। अल्लाह।